Good morning and peace with you all. Hope you all are fine and doing good. Good to see you again all. और यकीनन आप सब लोग जो हैं अपना काम जो है वो ध्यान से कर रहे होंगे, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है लर्निंग के लिए, लिखने के लिए आप वो सारा काम अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज आपने बेटा, आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, हम लोगों ने यूनिट टू जो है, नंबर यूनिट दो जो है वो हमने हादसा उसको हमने शुरू करना है। तो उससे पहले हमारा एक काम है आप लोगों को, कल जो मैंने काम दिया था मजमून नवीसी सेहत और सफाई के ऊपर, जो आपने अपनी तरफ से एक उन्वान लिखना था और उसको आपने लिखना था कि आप लोगों ने वो सब कर लिया है काम। आप सब जो है मुझे अपनी कॉपीज दिखाएं, ठीक है। शो मी योर कॉपीज। शाबाश। Because of some sudden work, now teacher Kani is not taking your class and I'm taking your class. Show me your copies. Good, very good, Michelle. Shash, good. Good. Show me your copies. Shazain, Kamran. नहीं किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन, और जिन बच्चों ने नहीं किया है बेटा उन सब ने अपना काम कोशिश करनी है वक्त पर कंप्लीट करें, ठीक है। अभी आप लोग खोल लें, आप लोग देख रहे हैं यूनिट नंबर दो हमने करना है हादसा, इसमें आप लोग निकाल लें सफा नंबर 26, ठीक है। सफा नंबर 26 पे आप निकालें हादसा। पहले हम थोड़ा सा आपस में इसको डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो सब लोग खोल लें सफा नंबर, ठीक है बेटा। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने उन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक सरगर्मी दी हुई है कि ग्रुप में हमने तबादला ख्याल करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि हादसा होता क्या है, ठीक है। आप मुख्तलिफ अखबारात से खबरें पढ़ते हैं, बाजुकात आपके जो हैं जानने वाले हैं या आपकी फैमिली के अंदर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या कोई जानने वाला है, कोई फैमिली फ्रेंड है, आपके कजन है, रिश्तेदार हैं, वो आपको मुख्तलिफ हादसात के बारे में बताते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हादसा क्या होता है। तो आपने मुझे बताना है कि हादसा क्या होता है, क्या होता है हादसा। एक्सीडेंट तो ठीक हो गया इंग्लिश में, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हादसा क्या होता है, ठीक है। एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट्स भी होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है हादसा आपको पेश आ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, ये हो गए हादसा। अब आप सुनिए अखबार से कुछ हादसा की खबरें पड़ी है, ठीक है। अभी आप वो एक्टिविटी ये वाली आपने घर पे करनी है, न्यूज में आपको पता है अखबार में रोजाना जो है मुख्तलिफ हादसा की खबरें आ जाती हैं। कार, ठीक है, कार का भी हादसा हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा कि हमारे अभी पिछले दिनों हवाई जहाज जो है वो क्रैश हुआ था, ठीक है, वो भी एक हादसा है, वो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने सबने मुझे बस हम जो है 5 मिनट से इसको डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में जो है जल्दी जल्दी आप लोगों ने रिप्लाई करना है, आंसर देना है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखिए आप सारे बच्चे, अब हम क्लास में नहीं है कि हम ग्रुप्स बनाएंगे या चार्ट पे लिखेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग यहीं पे आप सब लोग जो है एक ग्रुप की शक्ल में है, आप लोग क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो हम जो है आपको मैं सवाल पूछती रहूंगी और आप जो है चैट बॉक्स में उनके आंसर जो है वो बता दें, ताकि हम इसको एक दफा से डिस्कस कर लें, ठीक है। अमूमन कहाँ पेश आते हैं हादसा, कहाँ पेश आते हैं, अमूमन हादसा कहाँ पेश आते हैं, मतलब आप सुनते हो ज्यादातर हादसा जो है वो आप कहाँ से आपको लगता है, रोड, बिल्कुल, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, शाबाश, अमूमन ज्यादातर जो है वहीं पे होते हैं, कभी गाड़ियों के होते हैं, बाइक्स पे भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी चलते फिरते रोड क्रॉस करते हुए भी लोगों के साथ हादसा हो जाते हैं, ठीक है, इसके ठीक है, शाबाश, हो गया। अमूमन हादसा कहाँ पेश आते हैं, ज्यादातर जो है हम रोड एक्सीडेंट्स के बारे में ही सुनते हैं, ठीक है। और ट्रेन जो है, ठीक है, ट्रेन भी
ट्रेन के भी बहुत सारे हादसात होते हैं, और इसके अलावा हवाई जहाज जो है वो क्रैश होते हैं, वहां पे भी बहुत सारे हादसात होते हैं, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स पे भी बहुत सारे हादसात होते हैं, जैसे ट्रेन आ रही है और किसी को पता नहीं चला है, सिग्नल का क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे हादसात जो है वो पेश आते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्या वजूहात होती है, हादसात की वजूहात क्या होती है, मतलब वजूहात वजूहात क्या बनती है। अभी जैसे आप करो कि आप कोई ऐसा शख्स है जो कि गाड़ी चला रहा है या बाइक चला रहा है, और उसने जो है वो सिग्नल को तोड़ दिया है, या उसने लापरवाही का मुजाहिरा किया है, उसने नहीं देखा कि मेरी दूसरी साइड से कोई शख्स आ रहा है, इस चीज का ख्याल नहीं रखा है, जल्दी में था, उसको जल्दी किसी जगह पहुंचना था, इसीलिए उसने बहुत जो है तेजी दिखाई है, इसकी वजह से भी बहुत सारे हादसात जो है होते हैं, ठीक। उसके बाद है क्या उन्हें रोका जा सकता है, अपने जवाब की वजह भी बताइए। तो हम कैसे रोक सकते हैं इन हादसात को, अपने जवाब की वजह भी बतानी है, ठीक है। कैसे रोक सकते हैं हम, इसका जवाब आप लोग ने शाबाश जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें कि कैसे हम इन हादसात को रोक सकते हैं। हम जो है सेफ्टी के रूल्स जो हैं उनको अपना कर, जैसे हमें बताया जाता है कि रोड सेफ्टी क्या है, हमने रोड पे कैसे जाना है, कैसे चलना है, जब सिग्नल जो है हमारे पास ग्रीन है, रेड है या येलो है, तो हमने कैसे उसको फॉलो करना है, कब सड़क क्रॉस करनी है, कब जो है हमने सिग्नल जब हमारा खुलेगा हमारी साइड का तब गाड़ी लेके जानी है, और कैसे हमने रोड सेफ्टी के असूलों पर अमल करना है। या ट्रेन जब जा रही है, अगर जो ट्रेन का उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि ट्रेन आ रही है, तो फिर हमें जो है वो ट्रेन के ट्रैक से हट जाना चाहिए, तब उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम इन हादसात से बच सकते हैं, केयरफुल होके सेफ्टी के रूल्स अपना के हर तरह के जहां भी हम जा रहे हैं, वो ट्रेन के हम ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं या हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन और रोड और ट्रेन रेलवे ट्रैक्स के अलावा भी बहुत सारे हादसात होते हैं जिंदगी में, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होते हैं, ठीक है। तो हमने केयरफुल रहना है, और सेफ्टी के जो भी रूल्स हैं, असूल हैं, उनको जब हम अपनाएंगे तो हम इन हादसात से बच सकते हैं। तो अभी हम आप लोग सफा नंबर 27 सब लोग खोलेंगे, हमने हादसा जो है उसकी हमने सबक की जो है वो पढ़ाई करनी है। उससे पहले आपको वहां एक तस्वीर नजर आ रही है, तो आपने उसको पहले हम गौर से देखेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं हादसा, ये देखें, वो हमें तस्वीर जो होती है उससे आप बच्चों की दिलचस्पी बहुत बढ़ जाती है तस्वीर में, कैसा ये तस्वीर है, वो बहुत गौर से उसको देखते हैं और उनका जो दिलचस्पी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो मुख्तलिफ असबाब के साथ जो है वो हमें तस्वीरें बना कर देते हैं। अब आप देखें कि एक ट्रेन है वो आ रही है, ठीक है, ट्रेन आ रही है रेलवे ट्रैक से, और देखें यहाँ पे दो लड़के हैं, एक यहाँ गिरा हुआ है ट्रैक के ऊपर और एक यहाँ उसके पास खड़ा हुआ है, और आप देखें कि यहाँ पे एक जो है बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि खबरदार, यहाँ से बहुत ज्यादा ताकत की बिजली की रोक गुजर रही है, कि यहाँ पे जो बिजली है ये देखें ऊपर तारे हैं उसकी सारा, कि यहाँ से बिजली की रोक जो है गुजर रही है, इसलिए इसको आपने छूना नहीं है, इसके पास आपने नहीं आना है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो अब हम इस सबक में पढ़ेंगे कि जो हादसा है वो किस तरह से पेश आया और कि लोगों के साथ पेश आया, ठीक है। और बेटा मैंने आपके सामने बुक रखी है, आप लोग जो हैं अगर आपको यहाँ से क्लियर नजर नहीं आता क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको नहीं, तो आप लोग अपनी बुक खोलें साथ में और आप लोग वहां से पढ़ते हैं, जिनको क्लियर नजर आ रहा है वो मेरे साथ साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जिनको नहीं नजर आता है वो अपने साथ जो है अपनी किताब को खोल लें सफा नंबर 27 पे, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और ये कहानी, ये जो सबक है दो दोस्तों के बारे में है। दो दोस्त हैं इरफान और जुहेब, ठीक है, दो दोस्त इरफान और जुहेब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल खासा दूर था, ठीक है, इनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे, वो पहाड़ी इलाका था, ठीक है, इसीलिए वहां पर खेत थे, और एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था। नाउ माई वॉइस इज क्लियर बेटा। इस पर से रेलगाड़ियां गुजरती थी, पुल इनके स्कूल के रास्ते से हटकर था,
ठीक है, अब पहले पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया है कि दो दोस्त हैं, जैसे आप भी अगर आपका घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है या आपके पास सहूलत नहीं है गाड़ी की या किसी और चीज की, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल जो हैं वो पैदल आते हैं, और दोस्त हैं अगर तो साइकिल पे, या दोनों दोस्त इकट्ठे जाते हैं। इसी तरह वो दोनों दोस्त थे और उनका स्कूल खासा दूर, तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में या गांव में जो है वो स्कूल काफी काफी दूरी पर होते हैं, काफी काफी डिस्टेंस पर होते हैं। तो स्कूल दोस्त था, रास्ते में खेत भी आते थे, घर भी आते थे, और वो पहाड़ी इलाका था, एक तरफ पुल भी बना हुआ था और उसके ऊपर से रेलगाड़ियां गुजरती थी, और पुल इनके स्कूल के रास्ते से हटकर था। ठीक है, पुल एक तरफ था और स्कूल का रास्ता दूसरी तरफ था। तो दोनों कभी, जैसे मैंने पहले ही बताया, साइकिल पे या कभी पैदल, तो दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफान जो था वो मोहम्मद जो था, उसका दिल चाहता था कि स्कूल आते जाते जरूर रोज के रास्ते से हटकर चला करे। अब इरफान जो है वो मोहम्मद जो होता है, यानी उसको बहुत ज्यादा एडवेंचर्स करने का शौक था कि मैं नई नई चीजें करूं, इसे नए रास्ते ढूंढने में मजा आता था। कभी कभी वो जुहेब को भी राजी कर लेता, यकीनी तौर पर वो उसका दोस्त था और दोस्त आपको पता है एक दूसरे की बात मान भी लेते हैं, तो वो कभी कभी जुहेब को भी राजी कर लेता था कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि दोनों इकट्ठे आते जाते थे, तो इसलिए वो भी उसके साथ चला जाता था। और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते थे। बाग में जाना तो उनको वाकई में दिलचस्पी होती होगी ना कि हम बाग में जाएं, वहां पे फल होंगे। तो वो बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें वो चचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त आमतौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। वो दोनों चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते। इरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता जबकि जुहेब ऐसा ना करता। ठीक है, इरफान जो है वो फल खा लेता, वो फल खा लेता था। जुहेब क्यों खाता था? क्योंकि वो चचा मियाँ की गैर मौजूदगी में फल नहीं खाता था, क्योंकि जब हम इसी इसी बगैर इजाजत के जो है किसी की जगह में जाना जो है वो अच्छी बात नहीं होती है, और उनकी चीजों को जो है वो छेड़ना या इस्तेमाल करना भी अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए जुहेब तो नहीं खाता था लेकिन इरफान खा लेता था। ठीक है, अब अभी हम पढ़ेंगे। बाग में किसी ने एक टायर को दरख्त पर रस्सी से बांध कर झूले की तरह लटका दिया था, जिस पर वो झूला झूलते थे। एक दिन चचा मियाँ कमरे से निकल आए तो दोनों डर कर भागे और गिरते पड़ते घर पहुंचे। क्यों डर के भागे थे? क्योंकि उनकी इजाजत के बिना उनके बाग में गए थे और वहां पे फल भी खा रहे थे। इस वाकये के बावजूद इरफान जुहेब को बाग में ले जाता। कभी तो वो चुपके से झूला झूल कर आ जाते और कभी चचा मियाँ की डांट खाकर भागते। एक दिन इरफान को एक नई मोहम्मद जूझी। इसने जुहेब से कहा, चलो रेल की पटरी पर चलकर देखें कि वहां से पहाड़ कैसा लगता है। अब जुहेब, आप देखिए खतरनाक बात है, पटरी पे कह रहा है चलते हैं जबकि पटरी के ऊपर रेल, किसी भी टाइम रेलगाड़ी आ सकती है। तो जुहेब उसको मना करता और कहता है कि अम्मी इंतजार कर रही होंगी तो हमें देर हो जाएगी। लेकिन इरफान ने इसे राजी कर ही लिया। दोनों पटरी के पास पहुंचे, वाकई वहां से पहाड़ एक दियो की तरह लग रहा था। और इस पर चलते फिरते जानवर और इंसान छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। और इरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर इस तरफ आते देखा तो उसके जहन में एक शरारत आई। उसने जुहेब से कहा, मैं इस लोहे के सतून को पकड़कर लटकता हूं, तुम इन बच्चों से कहना कि बचाओ, ये यहां लटका हुआ है, इसे उतारो, जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतर आऊंगा। जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतर आऊंगा, और ऐसा करो जुहेब, तुम पुल से नीचे चले जाओ। जुहेब जैसे ही नीचे पहुंचा, इरफान सतून पकड़कर लटक गया। जुहेब ने शोर मचाना शुरू ही किया था कि इसने एक जबरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी और इरफान को उड़ के पटरी पर गिरते देखा। जुहेब बहुत बुरी तरह डर गया। इसने बाग की तरफ भागना शुरू किया। सामने चचा मियाँ का बाग था। वो भागता हुआ चचा मियाँ के पास गया
और इनसे मदद के लिए कहा। चचमिया भागते हुए पुल पर चढ़े, सिग्नल नीचे था और सब्ज बत्ती जल रही थी, ट्रेन आया ही चाहती थी। उन्होंने जल्दी से इरफान को घसीट कर पटरी से हटाया। इनके हटाते ही ट्रेन इनके बिल्कुल पास से गुजरी। जुहैब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सर उठाकर देखा तो लोहे के सतून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर खतरे का निशान बना हुआ था और लिखा था, खबरदार, यहाँ से बहुत ज्यादा ताकत की बिजली की रोक गुजर रही है। उफ, जुहैब ने सोचा, अगर अगर हमने पहले ये निशान पहले ये देख लिया होता तो हम कभी ये हरकत ना करते। अब आप देखें, हमने पूरी उसमें पूरा जो उन्होंने थर्ड तीसरा जो पैराग्राफ है बहुत लंबा है, उसमें उन्होंने बताया है कि इस वाक्य के बाद जब वो चचा मियाँ के बाग से डर के भागे थे, फिर भी वो जाता रहता था, उसको एक नई मुहिम सूझती, यह कहता चलो ट्रेन की पटरी वहां से। जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो आपको पता है कि नीचे जो चीजें हैं वो बहुत छोटी, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बकरी, कुछ बच्चे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, आपको पता है कि वो बकरियां चरा रहे होते हैं, तो उनको देख के वो कहता है कि चलो, शरारत सूझती है, जुहैब को कहता है कि मैं इस सतून से लटकता हूँ और तुम उनको बुला कर लाना कि इसको बचाओ, तो फिर मैं एकदम से उनके सामने आ जाऊंगा और फिर वो डर जाएंगे। तो इस तरह से अपनी तरफ से वो शरारत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो सतून को पकड़ता है तो जुहैब उन बच्चों को शोर मचाना ही शुरू करता है, तो वो देखता है कि एक जबरदस्त चंगारी निकली है, क्योंकि वो चंगारी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था बोर्ड पे कि यहाँ से ताकत पर बिजली की रोक गुजर रही है, तो इस वजह से जैसे ही वो चढ़ता है तो वो उसको नुकसान पहुंचता है, उसको बिजली का झटका लगता है और वो गिर जाता है। फिर जुहैब जो है वो भाग के चचा मियाँ के पास जाता है, उनको बुला के लाता है और फिर वो उसको मतलब वो बहुत ही बर वक्त उसको हादसे से ट्रेन के नीचे आने से बचाते हैं, क्योंकि सिग्नल ग्रीन होता है और नीचे होता है और इसका मतलब होता है ट्रेन आ रही है, और जैसे वो उसको हटाते हैं ट्रेन वहां से गुजरती है। तो फिर जुहैब देखता है कि वहां पे बोर्ड पे क्या लिखा और वो सोचता है कि काश हम पहले ये देख लेते तो हम कभी ये हरकत ना करते। फिर वो चचा मियाँ, जुहैब और कुछ और लोगों की मदद से इरफान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इनको इसको बहुत जोर का बिजली का झटका लगा है, अल्लाह ताला ने कर्म किया कि ये बच गया है। और बिजली के झटके लगने से क्या इफेक्ट होता है, झटके की वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, झड़ गए। और आहिस्ता आहिस्ता इलाज के बाद जब वो दोबारा बोलने के काबिल हुआ तो बाद में वो हर इस वाक्य को याद करके वो कहता था कि पता नहीं मैंने ये सब कुछ क्यों किया। ठीक है, अब वो देखें, जब हम कोई ऐसी शरारत करते हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसान का बाइस हो, तो फिर वो बहुत बड़े ऐसी शरारत करते हैं जो हमारे इस तरह के हादसात को जन्म देती है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, हम जो है जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आप सबको ये पढ़ के बता दिया है कि हादसा जो है हमारा जो सबक है इसके अंदर क्या वो बता रहे हैं, तो आप में से अगर किसी को कोई बात भी समझ नहीं आई है ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं, और अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग जो हैं आपने इस सबक से ये सीखना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह की शरारत अपने, जी ठीक है, आपको समझ आ गया है, शाबाश। तो अभी आप सबने सबसे पहले क्या करना है, अपनी आप डायरी निकालें, डायरी निकालें और डायरी पे जो काम लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, डायरी पे आपने क्या काम करना है। ठीक है, आप सारे डायरी निकालें, डायरीज निकाल ली सब लोगों ने, तो अभी आप लिखें यहाँ पे, ये देखें सवाल लिखा हुआ है, सबक का दूसरा पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है, आप डायरी लिखें, सबक हादसा की पढ़ाई करें और सबक का दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, सबक का दूसरा पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला के लिए तैयार कीजिए। हमने इसमें से इमला के अल्फाज नहीं लिए हैं, आप इसी पैराग्राफ को लिखेंगे और इमला के लिए इसको आप याद करेंगे। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है, आप सारे जो है वो अपनी डायरीज लिख लें।
होमवर्क समझ आ गया सबको? शाबाश, आप सारे अपनी डायरी लिख लो। सबक का दूसरा पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखिए, इमला के लिए तैयारी कीजिए और सबक हादसा की पढ़ाई करें। ठीक है, तो आपने जो है इसको, जी मैं नहीं आ रहा, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें आप कि सबक का दूसरा पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखना है और इमला के लिए तैयारी करनी है। आप लोग इमला के अल्फाज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पैराग्राफ ही लिखेंगे। मैं आपको बुक से भी देख के बता रहे, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है दोनों का भी साइकिल पर। ठीक है, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है और ये दूसरा पैराग्राफ जो है वो अगले सफे तक हमारा जाता है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ अगले सफे पे जो दो लाइनें इसकी जाती हैं वहां पे जाके ये खत्म हो जाता है। गिरते पड़ते घर पहुंचे तक हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो खत्म हो जाता है। इस पैराग्राफ को आपने अपनी कॉपी में खुशखत लिखना है और आपने इसको इमला के लिए याद करना है और साथ में आपने इस सबक की पढ़ाई भी। ओके बेटा, सब बच्चों को डायरी समझ में आ गई है? ठीक है, आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अपना काम जो है वो टाइम पे करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। गॉड ब्लेस यू।